चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। और मैं सचिन मिश्रा आज फिर से आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूं। और आज फिर से हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। तो मच्छरों के प्रकोप के संबंध में अगर आपको शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे आप। जाहिर सी बात है कि आप स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी को लिखेंगे, ठीक। तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, ये तो जीएस में हो सकता है। तो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यह जो है पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न है, ठीक। किससे संबंधित प्रश्न है, पत्र लेखन से संबंधित, ठीक। तो इस वजह से यहां पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सही आंसर क्या होगा, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। आज के प्रश्न में देखिए छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है, छोटी मगर मोटी बातें एकदम बेस लेवल पे है ये क्वेश्चन। और इसको आपको देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, आप अपने आंसर जरूर दें। देखिए जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है वे स्वर कहे जाते हैं, ठीक। स्वर वे हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। और व्यंजन क्या है, व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की विशेषता स्वर की जरूरत होती है, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जा सकते। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, स्वर। ऑप्शन बी यहां आपका सही होगा, ठीक। स्वर के संबंध में हम क्या जानते हैं कि स्वर जो है वह बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से बोला जा सकता है, स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, उसके लिए किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती। और व्यंजन कौन है जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है आपका, वर्णमाला से, ठीक। मैं आपको एक छोटी सी बात में बहुत सारी चीजें क्लियर करवा देना चाहता हूं। आप ये चीज याद रखिए के टी एम डी ओ, ठीक। इससे जो है आपका पांचों वर्ग जो है क च ट और प, ये एक बार में आपकी इतनी सारी चीजें कहां से बोली जाती हैं आपका क्लियर हो जाएगा। के कंठ, ठीक, यानी क वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, के का मतलब कंठ। च वर्ग जो है वो जो है आपका ताल से बोला जाता है, टी मतलब ताल। ट वर्ग आपका मूर्धा से बोला जाता है, ठीक, यानी एम। और त वर्ग आपका दंत से बोला जाता है यानी डी। और प वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है यानी ओ। यानी क में जितने वर्ण हैं, क ख ग घ, ठीक, च छ ज झ, जो भी हैं जितने वर्ण हैं इसमें, जितने वर्ग इस वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण हैं सब इनके थ्रू बोले जाएंगे। तो ये इतना आपका एज ए फॉर्मूला समझ के रख लीजिए, चाहे जैसे, सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया कि इतना याद रहेगा तो काफी सारी चीजें हद तक आपको क्लियर हो जाएंगी, बाकी के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो वर्ड है दोस्तों ये, ठीक, ये किससे बोले जाते हैं, अब आप यहां बता सकते हैं। टी मतलब हमने आपको तालु बताया, ठीक, तो यहां जो है आपका ऑप्शन सही होगा तालव्य, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तालव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं क्या, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भाई, अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। यहां देखिए क्या होगा, व्यंजन होगा, ठीक। व्यंजन अकेले तो बोले नहीं जा सकते,
बिना स्वर की सहायता से वो बोले नहीं जा सकते। मान लीजिए अगर आपने क व्यंजन लिखा तो क व्यंजन ऐसे होगा, लेकिन जब हम बोलते हैं तो क क में अ निकल रहा है, तो प्लस अ बराबर क। ठीक, तो यहां जो है व्यंजन वर्ण जो है वो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ठीक है, व्यंजन जो है वह एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। ठीक, स्वर संधि क्या है पहचानना है आपको। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा संक्षेप में कि स्वर संधि क्या है। स्वर के बाद अगर स्वर आए तो आप वहां समझ लीजिए स्वर संधि है। अब चलिए हम ध्यान देते हैं कि स्वर संधि किसमें है। पहले से हम उठाते हैं, देखते हैं, पुस्तक धन आलय। ठीक, ता मत पढ़िएगा इसको, ल पढ़िएगा। ठीक, पुस्तक धन आलय, यहां क के बाद में अ आ रहा है, क पुस्तक अ आ रहा है, फिर अ, तो यहां आपका अ प्लस आ, यानी स्वर के बाद स्वर जुड़ रहा है, तो यहां कौन सा संधि होगा आपका, स्वर संधि कौन सा है, पुस्तकालय। बाकी सदगति दिग्दर्शन उज्ज्वल। सदगत का दोस्तों होता है सत धन गति, यह व्यंजन संधि है। दिग्दर्शन का दिग धन दर्शन, यह भी व्यंजन संधि है। उज्ज्वल का उत धन ज्वल, ठीक, यह भी व्यंजन संधि है। मैं जब आपको कभी संधि पढ़ाऊंगा तो इनके सारे नियमों को विस्तार से बताऊंगा, और विस्तार से समझने पर आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम ध्यान देंगे हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। यह समास से प्रश्न है, आपको यहाँ पे जो है समास कौन सा है बताना है। चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं, गगनचुंबी का मैं जो है समास विग्रह कर देता हूं, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि कौन सा समास है। गगनचुंबी का जो होगा वह होगा गगन को चूमने वाला। ठीक, यह देख के आपको हो सकता है थोड़ा सा आसान हो। यहां पे देखिए दोस्तों, जी बिल्कुल, यहां देखिए तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हम जानते हैं तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, और यहां पे कौन सा तत्पुरुष समास होगा अगर पूछ लेता है कि कौन सा तत्पुरुष समास है तो हम कैसे बताएंगे। ये देखिए किसका चिन्ह होता है, कौन से कारक का चिन्ह को है, तो हम जानते हैं कर्म कारक का चिन्ह को है, तो यहां कर्म तत्पुरुष होगा या द्वितीय तत्पुरुष होगा। ठीक, तो कौन सा समास है यहाँ पे, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द यानी अपशब्द क्या है, विशेषण संज्ञा उपसर्ग या अव्यय। चलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं, पहचानने में आपको आसानी होगी। अपशब्द को अगर मैं विभाजित कर दूं दो शब्दों में तो यह होगा अपधन शब्द। अब आप देख रहे हैं कि अप जो है वह क्या है, उपसर्ग है, यानी शब्द में अप उपसर्ग मिलकर के अपशब्द का निर्माण हो रहा है, यानी नए शब्द का निर्माण हो रहा है, तो यहां क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, उपसर्ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, अफसोस मैं नहीं जा सका, किसी विषय का कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, बोल रहा है कि अफसोस मैं नहीं जा सका। मान लीजिए कहीं किसी की जरूरत थी और नहीं पहुंच पाए, तो अपना दुख प्रकट कर रहा है कि अफसोस मैं नहीं जा सका। अब रेखांकित शब्द जो अफसोस है, ठीक, ये अफसोस शब्द का अव्यय का प्रकार बताना है, किस प्रकार का अव्यय है। ठीक है, जाहिर सी बात है अफसोस से हम क्या महसूस कर रहे हैं कि दुख प्रकट हो रहा है ना, अफसोस से क्या प्रकट हो रहा है, दुख। तो यहां देखिए ऑप्शन भी आप देख रहे हैं,
शोक सूचक अव्यय, जहां दुख प्रकट हो रहा हो वहां कौन सा अव्यय होगा, शोक सूचक अव्यय, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानी। यहां देखिए तत्सम शब्द आपको पहचानना है। चलिए बिल्कुल, यहां देखिए ऑप्शन बी आपका सही होगा, कुक्कुर। ठीक, कुक्कुर जो है कुत्ता के लिए बोला जाने वाला तत्सम शब्द है। ठीक, बाकी मैं आपको इन सब का अगर तत्सम बताऊं तो कोयल का कोकिल होगा, लाख का लक्ष्य होगा और भीतर का अभ्यंतर होगा। ठीक, तो आपकी जानकारी के लिए तीनों चीजों को मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। फिलहाल यहां आपका जो ऑप्शन सही होता है वह जो है ऑप्शन बी है, कुक्कुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए अर्ध तत्सम शब्द, हो सकता है कि इन चीजों पे आपका ज्यादा ध्यान न जाता, हो सकता है आपको सुनने में नया लग रहा हो कि अर्ध तत्सम शब्द क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे अर्ध तत्सम शब्द पहचानना है, आप बताएं यहाँ पे क्या सही जवाब होगा। जी देखिए यहाँ पे दई शब्द जो है, ठीक, दई शब्द जो है वह आपका अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। पिछले वीडियो में हमने बात करते हुए आपको बताया था कि हमारी जो भाषा है, चाहे हम भाषा को ले लें, चाहे पहनावा को ले लें, आचार विचार को ले लें, संस्कृत को ले लें, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृत, हमारा आचार विचार कई चीजों से प्रभावित होता है। हमारी भाषा भी उसी तरह कई चीजों से प्रभावित है। जो लोग हमारे यहाँ आए, हमारे बीच रहे, पले बढ़े, खुद विकसित हुए, हमें भी आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं हमारा भी पतन हुआ कुछ लोगों के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों में आगे भी बढ़े, तो भाषा, हमारी भाषा में उनकी भाषा का मेल जोल हुआ और हमने उनकी भाषा को आत्मसात कर लिया। तो यहाँ पे देखिए विदेशी शब्द उसी को कहते हैं, ठीक, जो हमने किसी और की भाषा से अपने भाषा में समाहित करके उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा विदेशी शब्द है आपको बताना है। आप पर डे सुबह ग्लास में चाय पीते होंगे, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते होंगे कि ग्लास कौन सा वर्ड है। हो सकता है कोई चाय पी रहा हो, कोई पानी पी रहा हो, जाहिर सी बात है ग्लास में ही चाय पानी हम लोग करते हैं। तो ग्लास वर्ड जो है आपका, आप समझ जाएंगे क्या है, विदेशी वर्ड है। ठीक, और कौन से शब्द है, अंग्रेजी। ठीक, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ग्लास, तो यहां ऑप्शन आपका ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। देखिए चार ऑप्शन है, काफी आपको सशंकित करने वाला ऑप्शन है, आप कंफ्यूज जरूर होंगे, कुछ लोग हो सकता है ना भी हो। ठीक, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कंफ्यूज हो ही, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको संज्ञा पहचानने में कठिनाई होगी। जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो हमें थोड़ा सा भ्रमित करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले तो आप जानिए कि विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। ठीक, विशेषण क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक, और संज्ञा क्या है, कोई भी वस्तु जिस नाम से पहचानी जाती है वह नाम ही उसका संज्ञा है। ठीक, तो कभी मैं संज्ञा पे पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बढ़िया आपको हास्य की तरह पढ़ाऊंगा पप्पू को लेकर के, तो कहानी के रूप में। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल जो आपका सही आंसर है वह आपका आंसर डी है दोस्तों। ठीक, अनुशासन जो है, ठीक, यह जो है संज्ञा है, बाकी आपके आसमानी नियमित पाश्चात्य जो है यह तीनों जो है वह यह जो है विशेषण है, अनुशासन आपका संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। ठीक, सर्वनाम से प्रश्न है। ठीक है, यहां पे कौन सा सर्वनाम है हमें ध्यान देना है। ठीक, देखिए मैं आपको बता दूं, इसके कुछ और ऑप्शंस बता दूं मैं आपके, हो सकता है आप ऑप्शन से समझ जाएं। स्वयं, खुद, स्वतः। उम्मीद है कि आप इन शब्दों से समझ सकते हैं कि आप जो है
कौन सा सर्वनाम है? तो यहां पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा? यहां आपका जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन डी होता है, ठीक, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जहां वक्ता खुद के लिए करता है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वह वक्ता खुद के लिए करता है। ठीक, तो यहां आप शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है। आपके अतिरिक्त अगर कहीं खुद, स्वयं या स्वतः शब्द भी आए जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है, तो आप यहां बिना देरी किए समझ जाइएगा कि यहां कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, विशेषण को पहचानना है यहां, मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। चलिए यहां देखिए आपका सही जवाब क्या होता है दोस्तों, नैतिक होता है। ठीक, नैतिक जो है वह विशेषण शब्द है। ठीक है, नैतिक विशेषण शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। ठीक, धीरे धीरे, अगर यही कहता कि उसे धीरे लिखने की आदत है, ठीक, तो आप समझ जाते कि यह क्या है, विशेषण है। धीरे धीरे लिखने की आदत है, यहां पे आपका क्या होगा, धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे यहां आपका क्या होगा, यहां आपका जो है दोस्तों क्रिया विशेषण होगा। ठीक, क्रिया विशेषण होगा। अब क्रिया विशेषण क्या है, थोड़ा सा इसे भी हम समझ लें कि क्रिया विशेषण क्या है। जहां क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द प्रयोग किए जाएं, ठीक, वहां क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक, यानी क्रिया की विशेषता बतलाई जाए, विशेषता। जैसे हम यहां पे समझ लें कि अगर लिखा होता उसे धीरे लिखने की आदत है, तो हम समझ जाते कि चलिए उसे धीरे लिखने की आदत है, लेकिन धीरे धीरे लिखने की आदत है। ठीक, तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, लिखने की विशेषता क्या हो रही है, धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देंगे। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। चलिए व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है, और रेखांकित शब्द हमारा क्या है, लेकिन। ठीक, सबसे पहले हम ध्यान देंगे लेकिन, लेकिन क्या है, यहां देखिए लेकिन जो है दोस्तों वह आपका अव्यय है, और अव्यय क्या है, अगर लेकिन अव्यय है तो यह भी जानना तो जरूरी है कि अव्यय क्या है दोस्तों। अव्यय वे शब्द हैं, ठीक, जिनमें किसी भी प्रकार से लिंग, वचन, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और वे हमेशा एक समान रूप में बने रहते हैं। ऐसा नहीं है आप उनका लिंग चेंज कर दो तो वो बदल जाएंगे, या उनका वचन चेंज कर दो तो वो बदल जाएंगे, या कारक परिवर्तन कर दो तो वो बदल जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होता। ठीक, अव्यय में लिंग, वचन, कारक आदि चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे शब्द हमेशा समान बने रहते हैं, और लेकिन शब्द भी ऐसा ही है, तो यहां लेकिन क्या होगा, अव्यय होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक, हो सकता है किसी को ध्यान हो तो आप समझ जाएंगे कि ही क्या है। ठीक, ही दोस्तों जो है आपका निपात शब्द है। ठीक, और निपात शब्द क्या है, निपात शब्द वे शब्द हैं जो किसी वाक्य में किसी पद या शब्द के पहले लग के उसकी वैल्यू या उस पर बल देते हैं। ठीक, ठीक है, उस पर बल प्रदान करते हैं। ठीक है, वह घर पर रहेगा, लेकिन अगर बात कर दिया जाए कि आज रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, तो यहां देखिए एक तरह से बल दिया जा रहा है कि वह घर पर ही रहेगा, यानी और कहीं नहीं रहेगा, घर पर ही रहेगा, आज रविवार है, तो यहां पे आपका निपात है। ठीक है, निपात शब्द क्या है आपका, ही। ठीक, चलिए आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है क्या, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द क्या है, आकाश है,
अब हमको बताना है ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका आकाश नहीं है, आकाश का संबंध जिससे नहीं है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। जी देखिए, यहां ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं रसाल। रसाल का मतलब क्या होता है? अमृत फल। आप कंफ्यूज होंगे ये अमृत फल क्या है, तो ये होता है दोस्तों आम। ठीक, इसको आम्र भी बोलते हैं। ठीक, आम, आम्र, रसाल, अमृत फल, ये आम का पर्यायवाची है, न कि ये आकाश का पर्यायवाची है। ठीक, तो यहां पर हमने यहां पे अपना उत्तर भी खोजा और इसके भी पर्यायवाची को हमने ध्यान में रखा। ठीक, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा, रसाल आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? पिछली बार हमने पर्यायवाची से प्रश्न देखा, अब हम विलोम शब्द देख रहे हैं। ठीक, तो संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष। ठीक है, असंतोष, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? असंतोष। तो इस तरह से यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैनल के माध्यम से हम डेली आपके लिए लेके आते हैं और आज भी लेके आए हैं। कुछ छात्रों को अगर ऐसा लग रहा हो कि सर बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, समय जाता है, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि बहुत जल्दी में कोई भी चीज आप पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे। आप किसी भी चीज को पढ़ो तो गहराई से पढ़ो, और उसमें जो चार चीजें दी जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चार चीजें ऐसे ही रख दी गई हों। उन चार चीजों का अपनी जगह महत्व है, और हम अगर टॉपिक पकड़ते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं, तो चार चीजों पे अगर डिस्कस करते हैं तो एक चीज के बजाय हम चार चीजों को जानते हैं, समझते हैं। तो मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं ज्यादातर पे सभी चीजों को पकड़ के चलना चाहता हूँ, मैं किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर पाता कि इसको छोड़ दूँ, हो सकता है उसी से आपको पूछ ले। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया है, ठीक, तो कल को यही क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के दे दिया जाए। हो सकता है ऑप्शन यही हो, क्वेश्चन भी यही हो, लेकिन संतोष की जगह स्वीकार दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे जानना पड़ेगा कि स्वीकार, अस्वीकार का क्या होगा? स्वीकार होगा। सहयोग का असहयोग होगा। ठीक, आसार निसार जो भी है, कहने का मतलब। तो मैं इस तरह से चाहता हूं कि आपके सामने सारी चीजें मैं रखूं और आप भी उसे देखें एक बार बेशक, और मेरा पूरा प्रयास होता है ज्यादा से ज्यादा डिस्क्राइब करके समझाने का, क्योंकि हम जब कभी भी टेस्ट सीरीज देते हैं तो हम पूरे के पूरे चैप्टर को छूने का प्रयास करते हैं। एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरे विषय को एक बार चाहते हैं कि हमारे सामने से पूरा विषय एक बार गुजरे, हम उसका अवलोकन करें। तो ऐसे में अगर किसी को लग रहा हो कि सर लेट करते हैं या क्या कैसे, तो अपना फीडबैक आप दीजिएगा। आपकी जो क्वेरी होगी मैं प्रयास करूंगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको समझाऊं, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसा भी लगे, आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए एक प्रोत्साहन का कार्य होता है, एक उत्साहवर्धक होता है, और मैं उन चीजों को देखता हूँ तो मैं अगले दिन और भी अच्छी तरह से वर्क करने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल वीडियो जैसे भी लगे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।